हर क्लास आज हम हिंदी फर्स्ट में पढ़ेंगे लेसन 12 नई रोशनी जो है पेज नंबर 91 पर। ये पार्ट नई रोशनी ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें कुछ नई कुछ जानने को मिलेगा कि हाँ वैज्ञानिक एक नई तरह से एडिशन है, हम साइंटिस्ट उनके बारे में कुछ बताया है, हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। एडी कहाँ हो तुम, क्वेश्चन किया। माँ ने आवाज दी, नाश्ता तैयार है। एडिशन ने जवाब दिया, माँ मैं अखबार बेचने जा रहा हूँ। माँ की आवाज देने पे एडी ने क्या कहा, एडी शॉर्ट नेम है एडिशन का, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं अखबार बेचने जा रहा हूँ। ट्रेन का समय हो गया है, नाश्ता लौट कर लूंगा। बहुत ही जिद्दी लड़का है। माँ ने लंबी सांस ली, घर के दूसरे कामों में जुट गई। एडिशन बगल में अखबारों का बंडल दबाए रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी। एडिशन ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक दौड़ दौड़ कर अखबार बेचने लगा। अब अपन भी कहीं घूमने जाते हैं, ट्रेवल करने, बस और ट्रेन हो कुछ भी हो, तो वहां पे बस ट्रेन में आपने देखा होगा कभी कुछ बेचने के लिए आते हैं, कभी कुछ बेचने के लिए आते हैं, तो वो एक न्यूज़पेपर बेचते थे जब रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती थी। दौड़ दौड़ के एक डिब्बे से एक डिब्बे में जा के बेचते थे। आज तो तुम्हारे सारे अखबार बिक गए। और फिर है ना उनको बहुत खुशी होती थी कि मेरे सारे अखबार भी बिक गए। एक बुजुर्ग ने एडिशन की हौसला अफजाई करते हुए कहा, तुम बड़े मेहनती हो लड़के, देखना एक दिन तुम बहुत ही तरक्की करोगे। अब एक ही कहने वाली भी बात होती है, इंसान के चलने बोलने या कुछ काम करने के तरीके से पता चलता है कि वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ेगा या रुकेगा। क्योंकि उनको बुजुर्ग जो आदमी है, अपने को सबसे ज्यादा समझने वाले घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं या बाहर के भी कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, वही अपने को समझ पाएंगे कि ये बच्चा आगे जाके कुछ बनेगा या नहीं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको अनुभव है इस चीज का। और इस ये जो मेहनत थी एडिशन की कि एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में दौड़ दौड़ के न्यूज़पेपर बेचना, तो अखबार बेचते बेचते उन्होंने सोचा कि इसने सारे अखबार बेचे हैं मेहनत करके, तो हौसला अफजाई का मतलब है उसकी तारीफ की, उसका हौसला बढ़ाया, मोटिवेट किया कि तू एक दिन बहुत बड़ी तरक्की करेगा, शुक्रिया। उन्होंने अब उसकी तारीफ करी है तो एडिशन ने उनको बोला शुक्रिया। एडिशन ने जवाब दिया, सर मैं आपकी बात ध्यान रखूंगा। उन्होंने क्या कहा, मैं आपकी बात को ध्यान रखूंगा। अब एक बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा, तो उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने तारीफ की, तो उन्होंने कहा थैंक यू, धन्यवाद आपका। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात को याद रखूंगा कि मैं तरक्की करूंगा। घर लौटकर उसने रकम जोड़ी, रकम यानी पैसे, यह तो बहुत कम है, बहुत पैसे कम लगे। एडिशन निराश होकर खुद से कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। एडी माँ उसके पास आई, तुम सोचते हो तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या करूँ माँ, एडिशन बोला, बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत काम जो करना पड़ता है। अब एक तो बात ये भी, ये बहुत मेहनत लगती है बड़ा आदमी बनने का लिए और नाम पढ़ने के लिए, नाम करने के लिए, ठीक है। माँ ने उसे समझाया, अब देखो अपना दो कमरों का छोटा सा घर है जिसमें एक कमरे में तुमने अपनी विज्ञान की प्रयोगशाला बना रखी है। माँ अचानक एडिशन की आंखें चमक उठी, क्यों ना मैं एक पुराना छापखाना खरीद लूं और अपना अखबार छापने लगूं, फिर खूब पैसा आएगा और हमारी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। अब उन्होंने प्रयोगशाला खोल रखा है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए, सोचा जाए और छापाखाना खरीद लूं ताकि मेरी जो गरीबी है मैं उससे बाहर निकल सकूं। बिजनेस करने का सोचा, वह मैं नहीं जानती, लेकिन अब इस घर में तुम्हारी कोई तिकड़म नहीं चलेगी। उनकी माँ ने उनको डांटा, तिकड़म मतलब ये उल्टे पुल्टे इधर से उधर पैसे जोड़ना करना, ये भाई नहीं चलेगा आपका। मैं सर जेम से बात करूंगा, वह मेरी मदद जरूर करेंगे। रेलवे यार्ड में एक बेकार बोगी खड़ी है, मैं उसमें छापा खाना लगा लूंगा। उनकी माँ ने तो उनको मना कर दिया कि अब तुमने एक कमरे में तो छाप खोल रखा है अपना प्रयोगशाला, ठीक है, अब दूसरा कमरा तो रहेंगे कि हम घर बहुत छुट्टी छोटा सा घर है, रेंट का हम, तो फिर उन्होंने तिकड़म नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या कहा, एक बोगी में खोल लूंगा मैं। बोगी क्या होती है, रेलवे जो डब्बा होता है उसको कहते हैं बोगी, ठीक है, तो वो खाली पड़ा रहता है यार्ड में, जहाँ रेलवे स्टेशन के जितने बोगी होते हैं वो सारे रेलवे यार्ड में पड़े रहते हैं, जब जरूरत होती है तो बाहर आते हैं, नहीं तो वहीं रहते हैं। तो उन्होंने कहा
खाली पड़ा रहता है मैं उसे काम में ले लूंगा। अगले दिन एडिशन स्टेशन मास्टर जेम से मिला और उन्हें अपने काम के लिए राजी कर लिया। रात दिन की कड़ी मेहनत से उसका काम अच्छा चलने लगा। लेकिन एक दिन जब वो घर पर गहरी नींद में सो रहा था, अचानक बोगी में आग लग गई। समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने एडिशन को भारी नुकसान से बचा लिया, लेकिन फिर उसे वह बोगी छापे खाने के इस्तेमाल के लिए नहीं मिली। एडिशन अपने एक दोस्त के घर छापा खाना लगाकर काम करने लगा। एक दिन रेल दुर्घटना के चपेट में आकर हमेशा के लिए बहरा हो गया। अब क्या होगा? माँ एडिशन के लिए बहुत चिंतित थी। वह ठीक होगा माँ, देखना मैं अंधेरों में उजालों में बदल दूंगा। उन्होंने क्या सोचा? मैं अंधा छो हुआ लेकिन अंधेरों को उजालों में बदल दूंगा। रिचर्ड एडिशन का मददगार था। एडिशन ने उसके बेटे को ट्रेन से मरने से बचाया था। उसने एडिशन को टेलीग्राफी सिखलाई। जल्द ही वह टेलीग्राफी में उस्ताद हो गया। अब जब एडिशन युवा हो गया था, माँ चल बसी थी। एडिशन को एक के बाद एक आविष्कार करने की धुन थी। एडिशन ने नए साल के मौके पर तमाम मेहमानों को एक खुली जगह पर बुलाया। उसने कहा, अब लोगों को एक चमत्कार दिखाएगा। जब लोगों की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई, तब एडिशन ने कहा, आप एक नए युग की शुरुआत होगी। उसने एक इशारा किया और बिजली के तमाम बल्ब जगमगाने लगे। अरे वाह, लोग खुशी से चीख पड़े। उजाला हुआ तो अद्भुत चमत्कार है। यह था उसका सबसे महान आविष्कार। एडिशन जरा मुस्कुराया, फिर बोला, अब तुम लोगों को अंधेरों में मोमबत्तियां चलाने की जरूरत नहीं है, यह बिजली तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी। तो उन्होंने यह आविष्कार किया था, इसलिए वो साइंटिस्ट थे। उनका नाम था एडिशन। उन्होंने बचपन में बहुत दुख देखा। वो अंधे भी हो गए, लेकिन सॉरी वो बहरे भी हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। उन्होंने कभी ये नहीं छोड़ा, बस चरम सीमा पे पहुंच गए, मुझे करना है करना है करना है। तो एक ही शिक्षा मिलती है कि हम भी अगर अपनी लाइफ में कुछ ठान लें कि हमें ये करना है तो हम वो कर सकते हैं। अगर हार मान ले तो कभी नहीं कर सकते। तो आज का हमारा पार्ट पूरा हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको होमवर्क में डाल दूंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम हिंदी फर्स्ट में पढ़ेंगे लेसन 12 नई रोशनी, जो है पेज नंबर 91 पर। ये पार्ट नई रोशनी, ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें कुछ नई कुछ जानने को मिलेगा कि हाँ वैज्ञानिक एक नई तरह से एडिशन है, साइंटिस्ट उनके बारे में कुछ बताया है। हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। एडी, कहाँ हो तुम? क्वेश्चन किया। माँ ने आवाज दी, नाश्ता तैयार है। एडिशन ने जवाब दिया, माँ मैं अखबार बेचने जा रहा हूँ। माँ की आवाज देने पे एडी ने क्या कहा? एडी शॉर्ट नेम है एडिशन का, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं अखबार बेचने जा रहा हूँ। ट्रेन का समय हो गया है, नाश्ता लौट कर लूंगा। बहुत ही जिद्दी लड़का है। माँ ने लंबी सांस ली, घर के दूसरे कामों में जुट गई। एडिशन बगल में अखबारों का बंडल दबाए रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी। एडिशन ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक दौड़ दौड़ कर अखबार बेचने लगा। अब अपन भी कहीं घूमने जाते, ट्रेवल करने, बस और ट्रेन हो कुछ भी हो, तो वहां पे बस ट्रेन में आपने देखा होगा कभी कुछ बेचने के लिए आते हैं, कभी कुछ बेचने के लिए आते हैं। तो वो एक न्यूज़पेपर बेचते थे जब रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती थी। दौड़ दौड़ के एक डिब्बे से एक डिब्बे में जा के बेचते थे। आज तो तुम्हारे सारे अखबार बिक गए। और फिर है ना, उनको बहुत खुशी होती थी कि मेरे सारे अखबार भी बिक गए। एक बुजुर्ग ने एडिशन की हौसला अफजाई करते हुए कहा, तुम बड़े मेहनती हो लड़के, देखना एक दिन तुम बहुत ही तरक्की करोगे। अब एक ही कहने वाली भी बात होती है, इंसान के चलने बोलने या कुछ काम करने के तरीके से पता चलता है कि वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ेगा या रुकेगा। क्यों? कि उनको बुजुर्ग जो आदमी है, अपने को सबसे ज्यादा समझने वाले घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं या बाहर के भी कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, वही अपने को समझ पाएंगे कि ये बच्चा आगे जाके कुछ बनेगा या नहीं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको अनुभव है इस चीज का। और इस ये जो मेहनत थी एडिशन की कि एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में दौड़ दौड़ के न्यूज़पेपर बेचना, तो अखबार बेचते बेचते उन्होंने सोचा कि इसने सारे अखबार बेचे हैं मेहनत करके, तो हौसला अफजाई का मतलब है उसकी तारीफ की, उसका हौसला बढ़ाया, मोटिवेट किया कि तू एक दिन बहुत बड़ी तरक्की करेगा, शुक्रिया। उन्होंने अब उसकी तारीफ करी है तो एडिशन ने उनको बोला शुक्रिया। एडिशन ने जवाब दिया, सर मैं आपके
पे एक बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा। तो उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने तारीफ की, तो उन्होंने कहा थैंक यू, धन्यवाद आपका। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात को याद रखूंगा कि मैं तरक्की करूंगा। घर लौटकर उसने रकम जोड़ी, रकम यानी पैसे, यह तो बहुत कम है, बहुत पैसे कम लगे। एडिशन निराश होकर खुद से कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। एडी माँ आपके पास, माँ उसके पास आई, तुम सोचते हो तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या करूँ माँ, एडिशन बोला, बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत काम जो करना पड़ता है। अब एक तो बात ये भी, ये बहुत मेहनत लगती है बड़ा आदमी बनने का लिए और नाम पढ़ने के लिए, नाम करने के लिए। ठीक है, माँ ने उसे समझाया। अब देखो अपना दो कमरों का छोटा सा घर है, जिसमें एक कमरे में तुमने अपनी विज्ञान की प्रयोगशाला बना रखी है। माँ अचानक एडिसन की आंखें चमक उठी। क्यों ना मैं एक पुराना छापा खाना खरीद लूं और अपना अखबार छापने लगूं, फिर खूब पैसा आएगा और हम खूब, हमारी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। अब उन्होंने प्रयोगशाला खोल रखा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए, सोचा जाए और छापा खाना खरीद लूं, ताकि मेरी जो गरीबी है मैं उससे बाहर निकल सकूं। बिजनेस करने का सोचा, वह मैं नहीं जानती, लेकिन अब इस घर में तुम्हारी कोई तिकड़म नहीं चलेगी। उनकी माँ ने उनको डांटा, तिकड़म मतलब ये उल्टे पुल्टे इधर से उधर पैसे जोड़ना करना, ये भाई नहीं चलेगा आपका। मैं सर जेम से बात करूंगा, वह मेरी मदद जरूर करेंगे। रेलवे यार्ड में एक बेकार बोगी खड़ी है, मैं उसमें छापा खाना लगा लूंगा। उनकी माँ ने तो उनको मना कर दिया कि अब तुमने एक कमरे में तो छापा खोल रखा है अपना प्रयोगशाला, ठीक है, अब दूसरा कमरा तो रहेंगे कि हम, घर बहुत छुट्टी छोटा सा घर है, रेंट का हम, तो फिर उन्होंने तिक्रम नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या कहा, एक बोगी में खोल लूंगा मैं। बोगी क्या होती है, रेलवे जो डब्बा होता है उसको कहते हैं बोगी, ठीक है, तो वो खाली पड़ा रहता है यार्ड में, जहाँ रेलवे स्टेशन के जितने बोगी होते हैं वो सारे रेलवे यार्ड में पड़े रहते हैं, जब जरूरत होती है तो बाहर आते हैं, नहीं तो वहीं रहते हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ जो खाली पड़ा रहता है मैं उसे काम में ले लूंगा। अगले दिन एडिशन स्टेशन मास्टर जेम से मिला और उन्हें अपने काम के लिए राजी कर लिया। रात दिन की कड़ी मेहनत से उसका काम अच्छा चलने लगा। लेकिन एक दिन जब वो घर पर गहरी नींद में सो रहा था, अचानक बोगी में आग लग गई। समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने एडिशन को भारी नुकसान से बचा लिया, लेकिन फिर उसे वह बोगी छापे खाने के इस्तेमाल के लिए नहीं मिली। एडिशन अपने एक दोस्त के घर छापा खाना लगाकर काम करने लगा। एक दिन रेल दुर्घटना के चपेट में आकर हमेशा के लिए बहरा हो गया। अब क्या होगा, माँ एडिशन के लिए बहुत चिंतित थी। वह ठीक होगा माँ, देखना मैं अंधेरों में उजालों में बदल दूंगा। उन्होंने क्या सोचा, मैं अंधा छो हुआ लेकिन अंधेरों को उजालों में बदल दूंगा। रिचर्ड एडिशन का मददगार था, एडिशन ने उसके बेटे को ट्रेन से मरने से बचाया था। उसने एडिशन को टेलीग्राफी सिखलाई, जल्दी ही वह टेलीग्राफी में उस्ताद हो गया। अब जब एडिशन युवा हो गया था, माँ चल बसी थी, एडिशन को एक के बाद एक आविष्कार करने की धुन थी। एडिशन ने नए साल के मौके पर तमाम मेहमानों को एक खुली जगह पर बुलाया। उसने कहा अब लोगों को एक चमत्कार दिखाएगा। जब लोगों की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई, तब एडिशन ने कहा आप एक नए युग की शुरुआत होगी। उसने एक इशारा किया और बिजली के तमाम बल्ब जगमगाने लगे। अरे वाह, लोग खुशी से चीख पड़े, उजाला हुआ तो अद्भुत चमत्कार है। यह था उसका सबसे महान आविष्कार। एडिशन जरा मुस्कुराया, फिर बोला अब तुम लोगों को अंधेरों में मोमबत्तियां चलाने की जरूरत नहीं है, यह बिजली तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी। तो उन्होंने यह आविष्कार किया था, इसलिए वो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एडिशन। उन्होंने बचपन में बहुत दुख देखा, वो अंधे भी हो गए लेकिन वो बहरे भी हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे कुछ करना है। उन्होंने कभी ये नहीं छोड़ा, बस चरम सीमा पे पहुंच गए, मुझे करना है करना है करना है। तो एक ही शिक्षा मिलती है कि हम भी अगर अपनी लाइफ में कुछ हार ले कि हमें ये करना है तो हम वो कर सकते हैं, अगर हार मान ले तो कभी नहीं कर सकते। तो आज का हमारा पार्ट पूरा हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको होमवर्क में डाल दूंगी। थैंक यू।